भाई ऑल सेट, चलते हैं जिम। जिम स्कॉर्पियो नहीं है भाई अपनी, आज अपने चेयरमैन साहब लेके गए हैं, शायद रैली में लेके गए या फिर शायद जिम लेके। अरे खुल गया भाई, गेट खोल दे एक बार। मौसम बहुत सेक्सी हो रहा है भाई, नो डाउट। से देखो हवा बनाई ठाडे रे, मेरी सनी देवल सी बाडे रे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली जब बड़े होंगे तो भाई साहब टाइम हो रहा है 9:38, 9:38। तो भाई मौसम चेक करो भाई एक बार, सुबह सुबह मौसम का रिव्यू देते हुए यानी कि ज़्यादा आप सबके सामने मैं उतर रहा हूँ भाई। एक अपना वो खोल लूँ यूट्यूब चैनल, एक और खोल लूँ, या फिर टीवी पे आता है ना वो वेदर फॉर, क्या बोलते हैं उसको, मतलब वेदर चेक करवाता है जो मेन वो है, तो वो खोल रहा हूँ खोलने के लिए, क्योंकि मैं एक तो वेदर एक टाइम आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगा। तो गाइस अभी चलते हैं सीधा यहाँ से जिम, और रात में थोड़ा लेट सोया था एडिटिंग करके अपने व्लॉग की, इसलिए लेट उठाऊँ। अब मैं सोच रहा हूँ अपना रूटीन चेंज करने को, आज मंडे है तो सोच रहा हूँ कि डाइट वगैरह अच्छे से फोकस रखूँ। काफ़ी दिनों से अपनी डाइट नहीं चल रही है भाई, समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बट होपफुली अब से बढ़िया डाइट करेंगे और व्लॉग को अपना अच्छे से इंजॉय करेंगे। तो अभी पहले प्री वर्कआउट के तौर एक ग्लास जूस मारते हैं हम मौसमी का, जहाँ हम रोज आके पीते हैं। हाँ है, हमारे फार्म हाउस के सामने खड़ा था भाई अपना, एक हॉर्न पे समझ जाता अपना भाई। तो भाई एक बार मौसमी का जूस पी लूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सूट करी ये चीज़ कि जिम से पहले अगर तुम जूस पी रहे हो गिलास तो मज़ा आ रहा है वर्कआउट करने में। बात यह है वो एज अ प्री वर्कआउट हम यूज़ करते हैं मौसमी का जूस। तो भाई एक छोटी चीज़ शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई गांव के लोग बाहर नहीं निकलते, गांव के लोग ऐसे हैं, गांव के लोग वैसे हैं। अरे भैया हमें देखो, हम भी सरफाबाद किसान हैं, हम भी सरफाबाद से हैं भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, गांव के लोग ही सबसे आगे निकलते हैं भाई। अब तुम थोड़े टाइम रुक जाओ, सरफाबाद का नाम ऑन टॉप होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई। तो ऐसे प्यार सपोर्ट आप लोग बनाए रखो भाई। अभी चलते हैं यहाँ से सीधा जिम। तो भाई मेहनत करो, मेहनत ठीक है, मेहनत करोगे तो बहुत जल्दी आगे आओगे, डिमोटिवेट मत हो किसी चीज़ से भी। आज मैं अपने चेस्ट का वर्कआउट थोड़ा पार्ट दिखा दूंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आए थे, बहुत सारे भाइयों को मैसेज भी आए थे कि भैया अपने वर्कआउट का पार्ट भी डाला करो, एक या दो मिनट का पार्ट मैं डाल दूंगा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करके ठीक है। और आज से अपनी डाइट चालू है बढ़िया तरीके से, तो काफ़ी टाइम से मैंने नॉन वेज छोड़ रखा था, तो आज से स्टार्ट करूँगा बॉयल खाना, क्योंकि अपनी बॉडी थोड़ी डाउन चल रही है, थोड़ा बॉडी पर ध्यान देना है मुझे। अब दूसरा घूमने की ट्रिप सोच रहा हूँ कहीं ट्रिप पे जाने के लिए, एक बार ट्रिप का जुगाड़ देख लूँ क्या सीन क्या नहीं, उसके बाद चलते हैं बढ़िया तरीके से घूमने। मैं सोच रहा हूँ सोलो ट्रिप कर लूँ एक बार, मैं देखना चाहता हूँ अकेले घूमने में क्या सीन रहेगा, एक बार आप कमेंट करके बताओ सोलो ट्रिप करनी चाहिए या फिर ग्रुप ट्रिप करनी चाहिए या फिर सिस्टम वाली ट्रिप करनी चाहिए। सिस्टम समझ जाओ ना कितना तगड़ा सिस्टम, अपना सिस्टम वाली ट्रिप भी कर लेंगे। बाकी मौसम बहुत तगड़ा हो रहा, हल्की हल्की धूप है, बढ़िया बादल देख रहे हो उस साइड, देखो बहुत ही सेक्सी लग रहे हैं ब्रो, मेरी तरह सेक्सी हो रहे हैं बादल भी। तो गाइस अभी चलते हैं सीधा यहाँ से जिम और करते हैं अपना चेस्ट का वर्कआउट शुरू। तो भाई अपना वर्कआउट चल रहा है, अभी बहुत तगड़ा वर्कआउट चल रहा है भाई, मजा आ रहा वर्कआउट करने में। बाकी अभी अपनी एक्सरसाइज दिया है जो भाई ये वर्कआउट कर रहे हैं। सो गाइस अपना हो चुका है वर्कआउट ख़त्म, और अभी अपने गोलू भाई का फ़ोन आया है, वो है पतवाड़ी से भाई, उन्होंने कैफ़े खोला है नया शहर, कहाँ पे खोला, ग्रेटर नोएडा में। तो गाइस अभी
नहा धो के, मतलब पहले घर जाऊंगा, घर जाके नहा धो के डाइट वाइट लेके हल्की फुल्की, उसके बाद चलेंगे भाई के कैफ़े की ओपनिंग में। और मैं तो यही बोलूँगा कि मस्ट विज़िट, क्योंकि ये अपना फैमिली कैफ़े है, तो भाई अपने फैमिली में से ही बिलोंग करते हैं। तो बाकी भाई से मिलवाऊँगा आपको जाके कैफ़े पर। सो गाइस, वर्कआउट करने में आया काफ़ी मज़ा, आप लोग भी वर्कआउट स्टार्ट कर दो, अगर स्टार्ट नहीं करा है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, वर्कआउट बहुत बहुत हेल्प करता है आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में। सबसे जो मेन रोल रहता है ना वो रहता है आपका वर्कआउट का और डाइट का, तो गाइस प्लीज़ फोकस करो इस चीज़ पर। तो चलते हैं घर भाई, अभी आए अपने फार्म हाउस पर, अपने अंकित भाई हमसे मिलने आए हैं। कैसे हो भाई? भैया से मिलने आया हूँ भाई, यकीन नहीं हो रहा भैया सामने बैठे हैं भाई, मज़ा आ गया तो भाई, ये भाई बेचारा बड़ा शाय हो रहा है भाई, कहाँ दिल्ली से आए हो? भाई दिल्ली से आया हूँ खास भैया से मिलने के लिए, इतनी दूर से आया भाई। भैया भैया मिले, भैया मिल भी गए, बोला भैया मिलेंगे नहीं, यहाँ पे आया भैया मिले, भैया कह रहे अभी आ रहा हूँ, भैया आ गए 5 मिनट आ गए। ये आप लोगों का प्यार है भाई, इतने दूर से आते हो तो अपना भी फर्ज है कि हाँ भाई मिलो सबसे। तो भाई बाकी एक सबसे जो न्यूज़ देना चाहूँगा, भाई के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है भाई फिर भी दिल्ली से आया भाई, तो भाई स्पेशल थैंक्स आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए भाई। जिसको भैया से मिलना है मिलो, बहुत अच्छे भैया, बहुत डाउन टू अर्थ जैसे कहते हैं ना, डाउन बहुत बढ़िया नेचर है भैया, यही प्यार सपोर्ट बनाए रखो भाई। जो भाई ये भाई मुझे बता रहा है कि भाई इसके कुछ दोस्त हैं, तो इसने भाई ने बताया उनको कि मैं मिलने आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा देखेंगे ये वो, तो भाई देखो मिला है, ऐसी बात नहीं है भैया है देख लो बिल्कुल भाई अपना, सबसे अच्छी बात है भाई का नाम भी अंकित है, मेरा नाम अनिकेत है, तो मैच मैच अच्छा, तुम मेरे छोटे भाई ठीक है तो भाई एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा, देखो बहुत से भाई मुझसे मिलने आते हैं, अभी ये भाई आया था मुझसे मिलने के लिए, अंकित नाम था भाई का, तो भाई मतलब उनसे ज़्यादा खुशी ना मुझे होती है कि हाँ यार भाई मैं इस काबिल हूँ कि भाई आप लोग मुझसे मिलने आ रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, और इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू भाई। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, वो होता है ना कि भाई आप रोल तो भाई इतना मतलब मुझे अच्छा लगा यार कि हाँ यार लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो मैं आप सबका दिल से आभारी रहूँगा इस चीज़ के लिए। सो गाइस अभी हो चुके हैं हम रेडी, और अभी हम चलते हैं, पहले मैं थोड़ा बहुत खाना खा लूँ यार, मैंने खाना नहीं खाया अब तक ना, अभी सिर्फ नहा धो के कपड़े वपड़े पहन लिए हैं, तो अभी चलेंगे यहाँ से सीधा अपने भाई के कैफ़े पे। तो भाई ने नया कैफ़े खोला है, तो अपने ताऊ के लड़का हमारा है, हमारा बब्बर राज यादव, तो वो अपने साथ चलेगा, तो मैं उससे मिलवाता हूँ भाई, एक नंबर का आदमी है वो अभी तुम्हें, वो थोड़ा कैमरा शाया पता है, सारी दिक्कत दिया, बाकी एक बार मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ, उसको उसकी बह खोलूँगा मैं कैमरा के सामने, जिस दिन उसकी बह खुलगी ना भाई कैमरा के सामने, ऐसा बंदा नहीं है उसके जैसा कोई है ही नहीं गाँव में, मुँह बहस में मुँह जोड़ी में उसके जैसा कोई नहीं है हमारे गाँव में, सर फवाद में पूछ लेना टॉप पे नाम रहता है भाई का। तो अभी खाना वाना खा ले उसके बाद चलते हैं भाई। ये है अपने बब्बर पहलवान, तो स्मार्ट लग रहा हो भाई आजा बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ, लेट हो रहे भाई स्मार्ट हूँ मैं तो भाई अभी तुम्हें इससे मिलवाता हूँ भाई, बहुत तगड़ी चीज है ये, फिल्म है फिल्म सुनो मैंने सब बता दी, मैंने कहा गांव में तो उस बड़ो मुंह जोड़ना कोई भी ना भाई, चैलेंज दे चैलेंज सब, तो सुन तो ले, गांव में चैलेंज दे मुंह जोड़ में कोई भी आ जाओ ना भाई गाइस अभी हम चलते हैं अपने भाई के कैफे पे, और सुमित पता बड़े फोन आया बावली का, मैं कह रहा हूं मूव ले लो मैं गांव से चलेगा लेने का, अच्छा इंसान है भाई, चलेगा मैं लेने उसको बिल्कुल, अभी चलो मैंने कह दिया मैंने सीधे कैफे पास को, मम्मी कहती चाय बना लेगी कटोरे भर के देख रहे हो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना यार मेड गाइस ये सुन तेरा डायलॉग सुनो गलत मोमेंट सुन ले डायलॉग सुना था ना वाला बहन में नहीं छोटे तो चाचा ताऊ के समझ लो कहाँ फाड़ देंगे ना ना यो सिखा रहा है चलो भाई चलो। तो गाइस ये है अपना स्काई बोर्ड, ये पतवाड़ी गांव किसान यू किसान, ये भाई ओनर है यहाँ का बोल यादव, कॉन्ग्रेचुलेशन ये यहाँ के ओनर है, पब्लिक को बुलाओगे हम बिल्कुल भाई, क्या क्या कुछ कह रहे थे स्काई बोर्ड देख के, तो भाई लोकेशन बहुत तगड़ी है भाई, आउटसाइड पूल है यहाँ पे सिंपल है सिंपल, तो भाई काफ़ी अच्छा है देख सकते हो भाई, बढ़िया कैफे है। यस मंचूरियन ना मिले हाँ होट देखो फिर बीड़ी पिया
सुन जैसे पतवाड़ी गांव के ब्लॉग देखे हमारा, कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा भाई को फॉलो करो और सपोर्ट करो फुल। भाई तेरे पतवाड़ी के देख रहे ना या बीड़ी पियाना कम करो तुम, देख रहे सकल देख रहे। सुन कैफे के लिए कुछ बोलेगा तो कैफे भाई, कैफे के लिए बोल कुछ बोल। क्या बोलूं? कुछ बोल कैफे के लिए बोल। क्या बोलूं? मैं तो भाई यही बोलूंगा तरक्की करे। मैं तो यही बोलूंगा तरक्की करे। ऐसे ऐसे कैफे और खुले हैं? और खुले, इसकी आज दूसरी ब्रांच खुली है, कल तीसरी चौथी चौथी खुली है। अब चौथी ना तीसरी है, दूसरी। अच्छा एक होटल है? एक होटल है वो। एक ये भाई ओनर भाई यहाँ के, ये ओनर है, सेकंड ओनर भाई है बाबर भाई। भाई अभी हम निकल चुके हैं कैफे से, ये हमारे प्रसाद लेके आ रहे हैं बाबर भाई। प्रसाद के भूखे हैं ये, भूखे भाई प्रसाद बोल लेंगे। बढ़िया खुला है ना? है बढ़िया, बहुत बढ़िया कैफे है भाई भाई का। तो अभी शायद हमें लग रहा है यहाँ पे सिर्फ फैमिली है। झरना देखो भाई, नैनीताल पहुँच गए नैनीताल। तो भाई ये फैमिली रेस्टोरेंट था, यहाँ पे बाहर के लोग अलाउड नहीं है सोसाइटी में। 17,000 लोग, 17,000 बता रहेगा, 17,000 जनता है उसको, 17,000 लोग रहते थे। तो बाहर के लोग अलाउड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सोसाइटी के लोग। पैरामाउंट, पैरामाउंट कहाँ रहे? ग्रेटर नोएडा, पैरामाउंट बाइक सोसाइटी है। बाइक कर दो भाई, यहाँ नई गाड़ी ली है। इतने भूखे भूखे इलाके को भाई, उतना इलाके को ना, इलाका तो ठीक है इनको सारा ना भाई भूखा, पर यू भूखो, इनके घर चीनी भी ना, इनके घर चीनी ना है भाई, ये बहुत भूखा आदमी है। अरे भाई दावत रहा दिया ना गाड़ी की, समझ भाई अच्छी बात ना तुम्हारी, दावत चाहिए हमें, दावत मिलेगी आपको। हाँ माँ कसम, हाँ माँ कसम भाई, लंडन माँ कसम खाली अपनी, प्रॉमिस ब्रो, प्रॉमिस कर दे। ठीक है भाई कल दावत। कैसे प्रसाद लाए भाई? बहुत अच्छा लगा भाई। कैसे कैसे हो? कैफे एकदम ऐसा जहर भाई, बढ़िया, मतलब सोसाइटी का मामले से बहुत तगड़ा खोला, बहुत ही तगड़ा, बहुत पैसा लगा रखा। दो दिन तो फ्री दावत होगी कैफे में, क्यों लंगर चल रहा है? लंगर लंगर भाई गाइस, ये चलते हैं यहाँ से घर, घर जाकर रेस्ट करेंगे, फिर शायद शाम को अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूंगा। विकास दुबे आ जाएगा, उसके साथ बैठ के कुछ ना कुछ सीन बनाते हैं अपना बढ़िया। पर भाई कैफे अभी तक मेरे दिल से नहीं उतरा, बाकी खाना वाना बहुत तगड़ा था, जो बब्बर भाई ने नहीं खाया। नहीं खा बब्बर भाई? भाई ना मिला ही ना भाई। क्यों तो क्यों ना मिला भाई? बावड़े दिखे, देखिए भाई कौन है गाड़ी वाला। तो गाइस सीधा चलते हैं यहाँ से घर। तो गाइस कैफे से आने के बाद अपनी गाड़ी वॉश करवा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम में आते ही सो गया था भाई। टाइम हो रहा है 5:15, तो एक बार गाड़ी मतलब वॉश नहीं करवाई मैंने गाड़ी, बस कपड़ा लगवाया और टायर वॉश करवाया बस, ताकि गाड़ी अपनी शाइन करते रहे। फिर देखो इस गाड़ी में बस व्हील की कमी है भाई, व्हील डल जाएंगे बहुत जल्दी, फिर देखना भाई क्या सीन बनता गाड़ी का। उसके बाद भाई अबे भाई अपने आ रहे हैं, अबे भाई की गाड़ी ठुक गई भाई, फॉर्चुनर 0001 जो है फॉर्चुनर ठुक चुकी है। तो गाइस अपनी गाड़ी हो चुकी है वॉश और मिलते हैं अपने आगे प्रधान ब्लॉग से। कैसे हो गाइस? बढ़िया एकदम। तो भाई बैड न्यूज़ ये है, अपने भाई से ठुक चुकी है गाड़ी, अपनी फॉर्चुनर ठुक चुकी है भाई, गाड़ी जो है ठुक चुकी है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अच्छे अभी गंदी हो रही है ना, पहले एक बार थोड़ी सी वॉश होने दो, उसके बाद दिखाऊंगा। लाइट भी फूट गई इसकी, पीछे बम्पर भी किराएगा, पूरा किराएगा भाई। अभी हम आ चुके हैं अपने फार्म हाउस पर और भाई ये है अपनी 0001 फॉर्चुनर, अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे गाड़ी ठुकी थी अपनी कल। चल भाई अभी तो पूरा खत्म कर देंगे, गाड़ी खत्म होगी भाई हमारी पूरी। कहाँ लगी यही? देखो ये हो गई, ये लगी कैसे है जी? ये खंबे में लगी है सूदी। अच्छा पीपीएफ पिन नहीं है इसकी? पीपीएफ है ना तो पूरी धस जाती है अंदर खंबे में। अच्छा और कहाँ लगी भाई? ये पूरा फूल रहा है देखो इधर से, पूरा भाई लाइट पूरी फूट गई, यहाँ से क्रैक आ गया पूरी में देखो, इधर देख लो भाई बहुत भारी। गाड़ी ठुकने का नुकसान नहीं है इतना, इतना पीपीएफ का है। अभी पूरी चेंज हो गया, यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से ये भी और ये भी है। हाँ। मतलब पूरा आधा सामान ले गाड़ी का, जैसे यहाँ से इसकी कटिंग है जी, यहाँ से कटिंग इसकी, तो यहाँ से पूरा पार्ट पल्ली उस तरफ तक वहीं तक चेंज। 5 लाख का खर्चा आ गया, ज्यादा का जाएगा वो 2.5 करोड़ का खर्चा गाड़ी में। लाइट फिर पैर में मिलेगी जहाँ तक। अच्छा और हाँ लाइट भी फूट गया, और क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? मैं कुछ नहीं, विकास दुबे फेमस हो चुका है बहुत ज्यादा ले भाई, पर इतनी दिख नहीं रही पीपीएफ, पर गाड़ी धुलवा के लेके आए, गाड़ी साइन मार रही है पूरी। अब पीपीएफ का ये फायदा है वैसे, देख लो और देखो भाई फॉर्च्यूनर की सबसे अच्छी कहते हैं चीज जो नई अपडेट हुई है गाड़ी में अभी, ये चीज और ये है अपना गाड़ी का नंबर जो है इस गाड़ी की शो बनाता है। अरे एक चीज देखो ये क्या,
आगे में जैसे ले गए थे ना सजवाने, तो यहाँ टेप के निशान दे अब भी गए। अच्छा वहाँ के होंगे पीपीएफ होंगे ऊपर ही। हाँ पीपीएफ पे, ये देखो अगर पेंट पर, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा पता गार्डन पीपीएफ करवाने का। निशान दे रहा है सबसे बुरी चीज है भाई। अब फिर अगर हम पेट पेंट पे रखते ना फिर पेंट की पूरी कैसे की तैसी हो, पेट पे आके पेट पे देख लो भाई। चल भाई बहुत बढ़िया। तो गाइस प्यार सपोर्ट बनाए रखो, इस ब्लॉग को मैं एंड करते हैं। कीप सपोर्टिंग कीप लविंग, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।